16 की उम्र में एसिड अटैक का शिकार हुई लक्ष्मी अग्रवाल पर डायरेक्टर मेघना गुलजार ने फिल्म बनाने का ऐलान किया है। मेघना आरूसी मर्डर केस पर बनी तलवार फिल्म के भी डायरेक्टर हैं। राजधानी लखनऊ स्थित शिरोज कैफे एसिड अटैक का दर्द झेलने वाली लड़कियां मिलकर चलाती हैं। इन्हीं में से एक ऐसी जबाज एसिड अटैक सर्वाइवर की स्टोरी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। 23 साल की कुंती लखनऊ के राजाजीपुरम में रहती हैं। 9 भाई बहनों में से सबसे बड़ी कुंती बताती हैं कि मैं 18 साल की थी जब मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। अपने दोस्त के बेटे पर पापा को बहुत विश्वास था, इसलिए उसके साथ उन्होंने मुझे शादी करके विदा किया। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो शराब का आदी है। अपने सारे कमाए हुए पैसों को वो शराब में उड़ा देता था। मैं रोकती तो मेरे साथ मारपीट करता, ये रोज का काम हो गया था। आगे कुंती ने बताया कि हमारे झगड़े से परेशान होकर एक दिन हमें ससुर जी ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद हम दोनों किराए के एक कमरे में रहने लगे। लेकिन तब भी वो मुझे पैसे नहीं देता था जिससे मैं घर चला सकूं। घर का किराया देने और घर का खर्च चलाने के लिए मैंने उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया जहां वो पहले से काम करता था। जहां वो मुझे लड़कों के साथ बातें करते हुए देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। धीरे धीरे उसका काम पर से ध्यान हटता गया, वो सिर्फ शराब पीता और मुझ पर नजरें रखता। एक दिन मालिक ने उसे कंपनी से निकाल दिया क्योंकि वो काम करना बंद करके मेरे आगे पीछे घूमने लगा था, जो कि पॉसिबल नहीं था। वो इसी बात पर मुझसे रोज झगड़ा करता और मुझे पीटता। 21 अक्टूबर 2011 को मेरी सास शशिकांत उससे मिलने घर आई। उन्होंने उसे बाहर बुलाकर बात की। पता नहीं उन्होंने क्या कहा कि उस दिन पति ने शराब पीकर मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। मेरी पूरी बॉडी में सूजन आ गई थी। मैंने मकान मालिक की मदद से माँ को बुलाया और अपने घर चली गई। 22 अक्टूबर 2011 को वो दिन भर फैक्ट्री के बाहर मेरा इंतजार करता रहा। शाम 7 बजे मैं अपनी सहेली के साथ निकली तो इन्होंने मुझे रोका और कहा बात करना है। मैंने मना किया तो मेरा हाथ पकड़ कर ले गया और मुझे सिर से पांव तक तेजाब से नहला दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन पिघल रही है। वहाँ मौजूद फैक्ट्री वालों ने पुलिस को फोन करके बुलाया, हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद हम दोनों सिर्फ कोर्ट में मिले। हालांकि होश आने के बाद उसने मुझसे कई बार माफिया मांगी, लेकिन मैंने उसे आज तक कभी माफ नहीं किया और ना ही मैं उस सदमे को कभी भूल पाऊंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।